बुलंदशहर में प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया है। बता दें, ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसमें खेती कर रहे थे। नोटिस के बाद ग्रामीणों ने जमीन को खाली नहीं किया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों से सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराया। ग्रामीणों ने करीब 800 बीघा फसल पर कब्जा कर रखा था। बुलंदशहर से ये खबर। प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया है। 800 बीघा जमीन ग्रामीणों ने कब्जे में ले रखी थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मेरी जान टूटी हुई है भाई। दिन तक पूछ कर मेरे आदमी की बात ये तुम देख सकते हो जाकर नहीं है। मैं हाल ही में ये बात है कि जान दर के देखो बाबू जी को लाख रुपया ले लो कहीं तक देख ले कोई लोग है दे मुझे जमीन और राम गोपाल ने और आदमी पे सब लोग चार पांच हिलंदा है बाबू जी कमन सिंह ने लाए मेरे हाथ में लाए पब्लिक पे जब जब खेत तो आए क्या है ना क्या है जो प्रशासन चाहे वो करे। अभी इसको प्रशासन को ये मंजूर है कि फसल जोती जाए तो जोत ले, कोई नहीं रोक रहा, कोई इसमें विवाद नहीं है। अब देखो हमारे विवाद होगा तो कर लेंगे, आप प्रशासन के हाथ में जो भी करें ये करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब यदि प्रशासन इस जमीन को आपसे कब्जा मुक्त कराता है तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, आपत्ति ये होगी कि मतलब यदि अगर जो पट्टेदारों को इधर जमीन नाप दी गई तो उसमें विवाद बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं तो यदि पट्टेदारों की पट्टे हैं तो उन्हें जमीन मिलेगी, आप भी अपना पट्टा कराइए। गंगा में है जिनके जो सेक्टर वाइज सेक्टर पट्टे हैं उस सेक्टर में नापी जाए, उनको खाली जमीन में नहीं नापी जाएगी। कभी प्रशासन कहे जी हम इसमें नापेंगे ऐसा है। इसकी पहले ये जमीन जो है दूसरे गांव के और दूसरे जिले के लोगों के कब्जे में थी, उसको तत्समय मुक्त कराया गया था और जो ग्राम गुड़ के लोग हैं वो उनको मना किया गया था। ये जमीन नदी की है और इस पर कोई अवैध किसी तरह का कोई कब्जा ना करे और ना ही कोई फसल पैदा करे। दिसंबर में इनके द्वारा जुताई की गई थी, उसी समय इनके विरुद्ध जो है गांव के कुछ लगभग 16 लोगों के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत थाना अनुपचर में कराया गया। उसके उपरांत भी इन्होंने जिसमें जितने हिस्से में ट्रैक्टर चलाया गया था उतने हिस्से में गेहूँ के बीज डाल दिया था जो